सो मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो हिंदी में बनाइए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बना रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में आपको बिगिनर लेवल से लेके मिड लेवल तक की सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ शुरू करने के लिए। आई एम प्रत्यूष, आई कंबाइन माय लर्निंग्स ऑफ क्वांटम साइंस, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड शेयर माय थॉट्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट वी एस्पायर। तो ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कहाँ से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये दुनिया, और ये उसी तरह एग्जिस्ट करता है जिस तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम इंसानों की फितरत कुछ ऐसी होती है कि जब तक किसी चीज़ को कुछ नाम नहीं दिया जाता हम उसे समझ नहीं पाते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी पहली बार ये नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1877 में एक रशियन ऑथर हेलेना ने दिया था और इसे पॉपुलर किया 2006 में आई बुक द सीक्रेट ने। आज दुनिया में जितने सारे भी लोग हैं मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इस बुक द सीक्रेट के माध्यम से ही जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन बोलता है कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सारी चीजें एनर्जी की बनी हुई है और सारी चीजें वाइब्रेट कर रही है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़े माइक्रोस्कोप में रखूं तो आप देखेंगे कि आप छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं। जब थोड़ा और जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। एक्चुअली इस दुनिया में सारी चीजें छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ही बनी हुई है। अब जो छोटे अणु होते हैं उनके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो इनके सेंटर में होते हैं एक न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स आसपास चक्कर लगाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो अणु होते हैं वो 99.9999999% खाली होते हैं और ये खाली स्पेस एनर्जी से भरा होता है। तो आप ही सोचिए, जब इस दुनिया की सबसे छोटी इकाई एनर्जी से बनी हुई है तो उससे मिलके बनी हुई बड़ी चीज़ें भी एनर्जी की ही बनी होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सारी चीज़ें, आप, मैं, ये टीवी, कोई जानवर, पेड़, सब चीज़ें एनर्जी की बनी हुई हैं। और यहाँ तक कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस की भी एक एनर्जी होती है। ये कोई ख्याली बातें नहीं है। आज दुनिया में इस तरह की मशीनें मौजूद हैं जिससे आपके विचारों की एनर्जी को मापा जा सकता है। और साइंस हमें ये भी बताता है कि एनर्जी कभी भी रेस्ट नहीं करती, एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है। तो हर चीज एनर्जी है और हर चीज वाइब्रेट कर रही है। अब हर चीज की अपनी अलग वाइब्रेशन होती है जो उसकी क्वालिटी डिसाइड करती है। जैसे इस माइक की कुछ अलग वाइब्रेशन है, मेरी कुछ अलग वाइब्रेशन है, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसकी एक अलग वाइब्रेशन है जो इनकी क्वालिटी को डिसाइड करती है। अब यहां आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है हमारे विचारों के वाइब्रेशन, हमारे शब्दों के वाइब्रेशन हमारे आसपास की चीजों पे, आसपास के वातावरण की वाइब्रेशन पे अफेक्ट डालते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है समान तरह की वाइब्रेशन समान तरह की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दुख के विचार रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसे परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जिनकी वाइब्रेशन दुख में हो। अगर आप खुशी के वाइब्रेशन के थॉट्स सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुशी की परिस्थितियां आकर्षित करेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेडिकल साइंस में एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसका नाम है प्लसीबो। इसमें डॉक्टर मरीजों को एक्चुअल मेडिसिन की जगह फेक मेडिसिन देते हैं, क्योंकि मरीज जो है उस मेडिसिन को इस तरीके से लेता है कि डॉक्टर ने दिया है और इसे खाने से वो ठीक हो जाएगा, वो रियल में ठीक हो जाता है। तो शायद आप ये बोल सकते हैं कि यार वाइब्रेशंस जो हैं, मेरे थॉट्स के वाइब्रेशन शायद मेरे शरीर के वाइब्रेशन पे असर डाल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मेरे विचार मेरे शरीर के अंदर हैं। पर मैं ये कैसे मानूं कि मेरे विचार मेरे आसपास की चीज़ों पे भी असर डालते हैं?
तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। सोलोमन आइलैंड में जो कबीले के लोग रहते हैं, जब भी उन्हें किसी पेड़ को काटना होता है तो वो उस पेड़ को काटते नहीं हैं। उस कबीले के लोग उस पेड़ को घेर कर बैठ जाते हैं चारों तरफ और उसे कूसते हैं, उसे बददुआएं देते हैं, उसे गालियां देते हैं और कुछ ही दिनों में वो पेड़ मर के सूख जाता है। आप इसके बारे में कहीं भी गूगल पर सर्च करके इन दोनों चीज़ों की, प्लेसिबो की और सोलोमन आइलैंड की सत्यता को जांच सकते हैं। और इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, हमारे विचार हमारे आसपास की चीज़ों पे असर डालते हैं। चलिए, आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देखिए। आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, आपका कोई फ्रेंड होगा जो हमेशा खुश रहता है और उसकी लाइफ में हमेशा खुशी ही आती रहती है। आपका कोई दोस्त होगा जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है और आप सालों से देख रहे हैं उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है जो उसे और दुख दे। चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता हूँ। आप दो पौधे लेके आइए, एक पौधे को आप पानी दीजिए खुशी की प्यार की वाइब्रेशंस के साथ में, एक पौधे को आप पानी दीजिए दुख की डर की वाइब्रेशन के साथ में। एक हफ्ते के अंदर आप खुद अपनी आंखों से रिजल्ट देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, मेरे विचारों की वाइब्रेशन मेरे आसपास की सिचुएशन पे, आसपास के वातावरण पे असर डालती है, तो मुझे बस अच्छा अच्छा सोचना है और मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। हाँ, आप बराबर सोच रहे हैं, लेकिन आपके विचार आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं। जी हाँ, आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके विचार एक प्रोग्रामिंग के कंट्रोल में है, वो प्रोग्रामिंग जो आपको बचपन से लेके आज तक मिली है, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, उस इन्फॉर्मेशन से जो आपने अपने माइंड के अंदर डाली है। इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहले हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हमारे पास तीन माइंड है। अब कोई आपको बोलेगा दो माइंड, कोई बोलेगा छह माइंड, सब अपनी जगह पे सही हैं। मुझे जो कॉन्सेप्ट सही लगता है और जो मुझे अच्छी तरीके से सर्व कर रहा है, उस तरीके से मैंने अपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे पास तीन माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम एक मोबाइल में रैम की तरह है, किसी टास्क को परफॉर्म करना। जब भी आप कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी माइंड की तरह है, जो भी एक्सपीरियंस आपने लाइफ में करे हैं आज तक, वो एक्सपीरियंस एक प्रोग्रामिंग की तरह इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाती है और वही प्रोग्रामिंग आपके विचारों को जनरेट करती है। इसी प्रोग्रामिंग को आपको चेंज करना होगा। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी फेवरेट स्टोरी है हाथी के बारे में, किस तरीके से ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में बैठती है और किस तरीके से ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। तो सर्कस में एक बड़ा सा हाथी होता है जिसे एक छोटी सी रस्सी से, एक छोटे से डंडे से बांध के रखा जाता है। क्यों? उस हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उस रस्सी को, उस डंडे को आराम से तोड़ सके, लेकिन वो उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि जब उस हाथी को इस सर्कस में लाया गया था तब वो बहुत छोटा था, उसे इसी तरीके से उस छोटी रस्सी, उस छोटे डंडे से बांध के रखा हुआ था। अब क्योंकि हाथी बहुत छोटा था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उस रस्सी को तोड़ पाए। उसने उस रस्सी को काफ़ी तोड़ने का प्रयास किया और धीरे 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 वो थक गया। उसने मान लिया कि इस रस्सी को तो वो कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। अब हाथी तो बड़ा हो गया, लेकिन ये विश्वास कि वो उस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा आज भी उसके मन में है, तो वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता और ना तोड़ पाता है। इसी तरीके से कई सारे लिमिटिंग बिलीव्स, कई सारे प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है, पैसे के बारे में, प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, सक्सेस के बारे में, और कई प्रोग्रामिंग लिमिटेड होती है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि हम उस तरह के विचार सोच ही नहीं पाते। जैसे कि अगर एक बच्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता है और उस मिडिल क्लास फैमिली की मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो वो बच्चा उस 50,000 के आसपास ही अपनी मंथली इनकम सोच के बड़ा होता है, सोचता है कि शायद यार मैं 1,00,000 कमा लूँगा महीने के, 1,50,000 कमा लूँगा। किसी गरीब परिवार का बच्चा जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है,
वो 10,000 के आसपास ही अपनी मंथली इनकम की फ्यूचर प्लानिंग लेके बड़ा होता है। जैसे वो सोचता है कि शायद मैं 20,000 कमा लूँगा, 30,000 कमा लूँगा। और किसी अमीर परिवार के बच्चे की, जिसकी परिवार की मंथली इनकम करोड़ों में है, वो भी करोड़ों में कमाने का ही सोचता है। आप किसी गरीब को बोलेंगे कि आप मंथली करोड़ में कमाओ, वो विश्वास ही नहीं करेगा, वो विचार जनरेट ही नहीं होंगे, बिकॉज वो प्रोग्रामिंग उसके माइंड में है ही नहीं। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को कंट्रोल करती है। अब आता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड एक इंटरनेट की तरह है, जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम एडवांस लेवल पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बिगिनर टू मिड लेवल तक। आपके एक्सपीरियंसेस के अलावा जो भी चीज़ें आप कॉन्शियस माइंड में रिपीटेशन के साथ में करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग बन के बैठ जाता है। जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको काफ़ी सारा कॉन्सेंट्रेशन लगता है, काफ़ी सारी एनर्जी लगती है, बट धीरे धीरे जब आप बार बार प्रैक्टिस करके साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो वो प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और फिर आपको साइकिल चलाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगाना होता। इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड कई सारी प्रोग्रामिंग से मिलकर बना होता है, और जब तक आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब कुछ प्रोग्रामिंग्स होती हैं जो चेंज होती रहती है, बिकॉज आपको लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, बट आप नए नए एक्सपीरियंस का वेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो आपको खुद कुछ टेक्निक्स, खुद कुछ चीज़ें करना होगी, जिसके कारण आप अपनी सेल्फ लिमिटिंग प्रोग्रामिंग्स को चेंज कर पाएं। तो उसका पहला स्टेप ये है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी लिमिटिंग प्रोग्रामिंग लेकर जी रहे हैं, बिकॉज हम अपने बारे में कुछ ही प्रोग्रामिंग्स को जानते हैं कि वो हमारे अंदर हैं, बट कई सारी प्रोग्रामिंग्स ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो अपनी प्रोग्रामिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको अकेले में बैठना होगा एक पेपर एंड पेन लेकर, और अपने आप से कुछ सवाल पूछना होंगे। जैसे आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, आप कितना कमा सकते हैं, क्या पैसा कमाना मुश्किल है, क्या आप सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको केवल 2 नंबर के काम करना पड़ेंगे, आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं, प्यार हमेशा धोखा देता है, प्यार हमेशा दुख देता है, प्यार मिलना मुश्किल है, आप दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं, दोस्त धोखेबाज होते हैं, दोस्त एक बर्डन है, आप फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं कि लाइफ में हमेशा दुख रहने वाला है या लाइफ एक खुशी का सफ़र है। जहाँ जहाँ भी आपको लिमिटिंग बिलीफ्स दिखे, जहाँ जहाँ भी आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, समझिए ये एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब मैं मानता हूँ कि आपने अपनी लिमिटिंग प्रोग्रामिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को काटना पड़ेगा। न्यूज़ देखना बंद करिए, गंदे बुरे व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ना या फॉरवर्ड करना बंद करिए, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं उनसे दूरी बनाइए, ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं उनसे दोस्ती बढ़ाइए, बिकॉज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके आसपास के लोगों का ही पड़ता है। तो इसके बारे में सोचिए और धीरे धीरे अपने आसपास का माहौल बनाइए, उन लोगों से दोस्ती करिए जैसे आप बनना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में जल्दी ही काफ़ी बड़ा चेंज लेके आएगा। दूसरी चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करिए। पूछिए अपने आप से कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हुए अपनी लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आप किस तरह के रिलेशनशिप चाहते हैं। डिसाइड करिए और उस तरह की लाइफ को जीने के लिए एक स्टेप लीजिए, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ में पर्पस डिसाइड नहीं करेंगे तो आप एक कागज़ की कश्ती की तरह इधर उधर ठोकरें खाते रहेंगे। तीसरी चीज़ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए वो है अफर्मेशन। बचपन से लेकर आज तक कई सारे लोगों ने हमसे नेगेटिव बातें बोली है, और जो नेगेटिव बातें हमसे बोली गई है वो हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग के रूप में बन के बैठ जाती है। जैसे आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए टफ है, वो एक लिमिटेड प्रोग्रामिंग बन के हमारे माइंड में बैठ जाती है। बट इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से करते हैं,
तो क्यों ना हम अपने आप से करने वाली बातों की क्वालिटी को सुधारें। जब भी आपको लगे कि आप अपने आप से कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, जैसे आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते हैं, तो उसे रिप्लेस करिए पॉजिटिव बातों से। बोलिए अपने आप से कि आप इसे कर सकते हैं। आपको लगे कि आप गरीब हैं तो आप अपने आप से बोलिए कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप अमीर हैं। शुरू में आपको लग सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से रिपीटेशन के साथ में एक लंबे समय तक करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, उस प्रोग्रामिंग को स्टोर कर लेगा। और जब उस प्रोग्रामिंग को वो स्टोर कर लेगा तब उस तरह के विचार आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब उस तरह के विचार आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में उस तरह की परिस्थितियां बनने लग जाएगी। चौथी चीज जिसका यूज करके आप अपने प्रोग्रामिंग्स को चेंज कर सकते हैं वो है कल्पना करना, यानी विजुअलाइजेशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग्स जिस कारण बनी है वो है एक्सपीरियंसेस। आप नए एक्सपीरियंसेस करके अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। अब आपको नए एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कल्पना करना है। आपका दिमाग कल्पना में और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। चलिए इस चीज को डिटेल में बताने के लिए मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एथलीट्स के 3 ग्रुप्स के साथ में। पहले ग्रुप को बोला गया कि वो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करे कुछ दिनों तक। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि वो कुछ दिनों तक कल्पना करे प्रैक्टिस करने की। तीसरे ग्रुप को ना कल्पना करने को कहा गया ना प्रैक्टिस करने को। कुछ दिनों बाद, लेट से 15 से 20 दिन बाद, उन ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को जांचा गया। पहला ग्रुप जिसने प्रैक्टिस की थी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा ग्रुप जिसने कल्पना की थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तीसरा ग्रुप जिसने ना कल्पना करी ना प्रैक्टिस की उसने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इस चीज़ से ये प्रूव हो गया कि जिस ग्रुप ने रियल प्रैक्टिस करी और जिस ग्रुप ने केवल कल्पना करी उन लोगों ने लगभग सेम परफॉर्म करा। उनका माइंड एक रियल प्रैक्टिस में और एक कल्पना की प्रैक्टिस में डिफरेंस नहीं कर पाया। तो आप इस खूबी का यूज़ कर सकते हैं नई प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं अपनी लिमिट से आगे जाने के लिए। अगर आप अपने आप को बदसूरत समझते हैं तो कल्पना करिए कि आप खूबसूरत हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसे की कमी है तो कल्पना करिए आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो आप कल्पना करिए कि आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हैं। जो भी लिमिटिंग बिलीफ आपके प्रोग्रामिंग में हैं आप कल्पना करिए उस लिमिटिंग बिलीफ से आगे जाने की। आपका माइंड धीरे धीरे उस कल्पना पे विश्वास कर लेगा, नए प्रोग्राम्स बनेंगे, नए विचार आएंगे और नई रियलिटी क्रिएट होने लगेगी। पांचवी चीज़ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। ध्यान लगाने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन अगर हम केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखें तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं, आप सेल्फ अवेयर हो पाते हैं अपने विचारों के लिए और अपने आसपास की चीज़ों के लिए। और जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आपका अपने विचार पे, अपने माइंड पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो टाइम निकालिए ध्यान लगाने के लिए, एटलीस्ट 15 मिनट हर दिन। जब आप एक कमिटमेंट के साथ में हर दिन मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने विचारों में और अपनी लाइफ में फ़र्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी बेसिक लेवल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और ये आपको हेल्प करेगी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू करने के लिए। मैं और भी कई तरह की एडवांस लेवल की टेक्निक्स एंड टिप्स शेयर करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं डेली वहाँ पर कई तरह की टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरी अकाउंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम प्रत्यूष, बी कॉन्शियस।